हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। लोग आज के इस वाले वीडियो के अंदर जो है करने जा रहे हैं एक रिव्यू, जो कि इस मतलब चैनल मेरी पहली रिव्यू वाली वीडियो होने वाली है। और वो जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि एक गेम आया है हमारा, एक नया नया, जिसका नाम है हेडन 380, और उस गेम का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं। तो गाइस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस वीडियो के अंदर मैं उस गेम को खेलने वाला हूँ, और मैं उस गेम को खेल के बताऊँगा कि वो गेम कैसा है, उसमें क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो फिर गाइस चलिए अब जो है सो सबसे पहले चलते हैं उस गेम को खेलने के लिए। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, ताकि मैं अब आपको गेम खेल कर दिखा सकूँ। तो गाइस आप लोग आ चुके हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे, हमारा एकदम गेम लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमको इसको ओके कर देना होता है और इसको अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। अलाउ पे क्लिक करने के बाद हमारा हेडर्स 3380 जो हमारा गेम है वहाँ पर लोडिंग होना उसका स्टार्ट हो चुका है। और थोड़ा तो साउंड कम कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। अब मेरे पास तो गूगल फेसबुक आईडी नहीं है, तो मैं गेस्ट पे करता हूँ और नाम डाल देते हैं हम लोग अपना स्वयं, जो कि मेरा ओरिजिनल नेम है वो हम लोग डाल देते हैं। और गाइस यहाँ पर ग्लोबल हमारा जो कंट्री होगी वो होगी हमारे इंडिया ऑफ कोर्स। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ चुके हैं, साइनिंग इन हो रहा है यहाँ पे हेडोस 18। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये मैथ्यू हिडन पे बेस्ड गेम है ये, तो यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड पे क्लिक कर देंगे हम लोग और ओके कंटिन्यू। और ओके प्रीमियर लीग, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप सब कुछ है इसमें, बट हम लोग को खेलना है क्विक मैच। तो यहाँ पे क्विक मैच कर लेते हैं, और क्विक मैच में काफ़ी ग्राफिक्स को तो काफ़ी अट्रैक्टिव बना दिया है इन लोगों ने। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोगों को टीम करना पड़ेगा सेलेक्ट। तो इंडिया रखेंगे इधर पे, और इधर रखते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ दो ही स्टेडियम है इनके पास। वाह, अब सकता है अगले अपडेट में लोग और स्टेडियम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इंडिया का स्टेडियम 10 रुपीज़ दे के, और ग्रीन होगी पिच। 5 ओवर्स का मैच खेलेंगे हम लोग, 5 खेलेंगे, और इजी मोड रखेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डूब रहा हूँ, इसीलिए इजी मोड इज़ द बेस्ट। और यहाँ पर टाइम रखेंगे हम लोग डे का, और इसके बाद जो है सो डे टाइम में हम लोग कब करना होगा नेक्स्ट। और टीम सिलेक्शन हमारी वही होगी, रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग पे, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, चहल, ये सब वगैरह, और ये है इनका स्क्वाड। नाउ गाइस सब चलते हैं आगे। ओके अब यहाँ पे लोडिंग हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अब अपनी गेम के तरफ में, लोडिंग हो रही है अभी, लोडिंग स्क्रीन है। और यहाँ पे हेडोस 380 ये स्टेडियम का हमको व्यू करा रहे हैं, और इनके एक चीज़ बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे देखो, मतलब स्टेडियम के आसपास में इन्होंने ताजमहल भी लगा दिया है। अब दिखा नहीं, वो मुझको दिखा। टॉस के टाइम पे हम लोग टेल्स लेंगे गाइस, लेट्स टेक टेल्स फॉर द टॉस। और सिक्का उछला और गिरा किसके पक्ष में देखना पड़ेगा, किसके पक्ष में गिरा, हाथ ऐसा वो लोग ने टॉस जीता है गाइस, हम लोग हार चुके हैं और टॉस हमको बॉलिंग करना होगा। हम लोग इसका कुछ स्किप कर देते हैं, टैप टू कंटिन्यू और लेट्स लेट्स गो गाइस। ओके 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 लेट्स गो। ये सारे ट्यूटोरियल्स मुझे पता है, मैं इतना भी नूब नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं नूब हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता गेम में, बट फिर भी इतना बड़ा नूब नहीं हूँ कि गेम में मैं कंट्रोल देखूँ। प्लीज़ डोंट डू दैट लाइक दिस। तो यहाँ पे बॉल की वैरायटीज़ यहाँ पे आ चुकी है कि हम कौन सा बॉल डाल सकते हैं। तो पहला मैं आउट स्विंगर देख रहा हूँ, आउट स्विंगर ही डालते हैं गाइस। ओके आउट स्विंगर, इन स्विंग आउट स्विंग ठीक रहेगा। और ग्रीन लाइन हम लोग को टच करनी है स्पीडो मीटर वाले में।
और हल्का सा चला गया, पर कोई और यार पिचिंग बहुत दूर हो गई, वाइड हो सकता है। विकेट बहुत ज़्यादा स्विंग करी है बट चौका नहीं मिलेगा, नहीं चौका नहीं मिलेगा, कोई नहीं। कहीं यहाँ पे चौके मिलना काफ़ी मुझे डिफिकल्ट होता है, उनको थ्रो करना होता है, कीपर गेंद पे करते हैं, सॉरी बॉलर गेंद पे करते हैं, काफ़ी लेट से बॉल पहुँची इनके पास। टाइम टू कंटिन्यू काफ़ी लैगी लैगी सा लग रहा है। और गाइस मेरा जो फ़ोन है वो 6 GB रैम वाला है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके लेट्स गो। ओके गाइस यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पे हम लोग डालने जा रहे हैं अपनी दूसरी बॉल, दूसरी बॉल डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ओके ओके ओके, और इस गेंद पे शानदार शॉट कवर ड्राइव है और मिल जाएगा चौका, मुझे ऐसा लगा, बट चौका नहीं मिलने वाला है। ये डालेंगे हम लोग सीधा बॉलर गेंद पे और कुछ नहीं हुआ इससे। तो गाइस आई थिंक कि मुझे इनके इनिंग्स को स्किप कर देना चाहिए, तो पहले मैं इनके इनिंग्स को स्किप कर देता हूँ और इसके बाद में आपको मिलता हूँ हमारे बैटिंग के टाइम पे। तो गाइस मैंने जो यहाँ पे अपनी इनिंग्स को मैंने स्किप कर दिया है, और इसके बाद जो है सो हम लोग क्या करने वाले हैं, बैटिंग ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, एंड नाउ टैप टू कंटिन्यू को स्किप, इसका सब कुछ स्किप करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट इतना भी रूम नहीं हूँ। और यहाँ पे हम लोग पहली बॉल खेलने जा रहे हैं इस गेम में, तो सामने है रोहित शर्मा और ये शानदार कवर ड्राइव, और इससे मिल जाएगा चौका, और मौके पे चौका लग चुका है पहली बॉल पे। तो गाइस क्या हम लोग की मैच जीत पाएंगे, देखते रहिए हमारे साथ कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रिक्स चैनल पे। और यहाँ पे तो गाइस मैं पूरी गेम में नहीं दिखा पाऊँगा, वरना गेम ये रिव्यू से बड़ी गेमिंग वीडियो हो जाएगी। तो एक आध बॉल खेल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगली बॉल है और ये भी चौका नहीं गई है, एक और रन में भाग सकता था, उन्होंने भागा नहीं। गाइस गेम काफ़ी लैगी लैगी लग रही है, मैंने आपको बताया था कि पता नहीं क्यों कोई इशू है इसके साथ, ऐसा कोई नहीं, कोई बात नहीं आगे। और यहाँ पर शानदार शॉट और यहाँ पे एक और रन लेते हुए। ओके कोई नहीं, और यहाँ पर देख लेते हैं, एक और बॉल खेल लेते हैं इस पर। भाई मैं बल जोर से बल्ला घुमाया है, एक शानदार शॉट भी है और जड़ ये चौका, 10 रन का ये ओवर आप यहाँ का ऐसा भी आ चुका है। तो गाइज आई थिंक इतनी गेम प्ले काफ़ी होगी, इतने बॉल्स खेलने के बाद मैं इस गेम को जज कर सकता हूँ कि ग्राफिक्स कैसे हैं, बाकी सब कैसे हैं। तो गाइज अब चलते हैं अपने एंगल स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, तो गाइज चलते हैं अपनी फेस कैम वाली एंगल पे और की तरफ, और यहाँ पर जो है सो फेस कैम में चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या इसमें रिव्यू कर लेना चाहिए गाइस। तो गाइस चलते हैं अपनी फेस कैम वीडियो की तरफ, तो लेट गाइस लेट्स गो। चौको मेरी फेस कैम वाली एंगल पे, और जैसे कि आपने देखा कि मैंने थोड़ी देर पहले गेम प्ले खेला, और उस गेम प्ले के हिसाब से मेरा ये बस इतना खूबसूरत लगा कि गेम काफ़ी अच्छा है बनाया है हम लोगों ने, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, ग्राफिक्स को अच्छा करने का ट्राई किया है, बट फिर भी ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं हो पाए हैं। ये बिल्कुल ग्राफिक्स उसके वर्ल्ड क्रिकेट बैटल की जैसे ही, जो काफ़ी पहले वाला गेम था, 4-5 साल पहले वाला गेम था शायद, और उस ग्राफिक्स को और वो इंक्रीज कर सकते थे थोड़ा, RC20 टाइप अगर बनाने का ट्राई करते उस टाइप का ग्राफिक्स तो वो अच्छा लगता। और अभी तो खैर नया नया गेम है, तो उनको वो इम्प्रूव कर ही लेंगे मुझे लगता है, और उनको स्टेडियम थोड़े से ऐड कर लेने चाहिए, और जो सबसे जो एक मेन चीज़ आती है कि जो कमेंट्री को इम्प्रूव करना होगा। कमेंट्री काफ़ी डल वॉइस लगती है, वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करें, थोड़ा जब सिक्स लगे तो वो मतलब दिखाए कि हाँ वहाँ उसकी आकाश चोपड़ा जैसे कमेंट्री करते हैं हमारे रियल लाइफ में, उनकी वॉइस को यूज़ कर सकते हैं ताकि ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगे और अट्रैक्टिव ऐसा लगना चाहिए ना कि मतलब सुन के कि नहीं वो काफ़ी अच्छा शॉट खेला है, वो उतना लगता नहीं है इसमें, और काफ़ी डल सी है आवाज़ आती है, क्राउड की नॉइज़ उतनी अच्छी नहीं है। पता ना कि क्राउड जब सपोर्ट करती है तो उस लिसनिंग में अच्छा लगता है, वो जब क्राउड की सपोर्टिंग की वॉइस भी आनी चाहिए। तो गाइज ये सब चीज़ें हैं जो इनसे इम्प्रूव होनी चाहिए, और आप लोग भी अगर आप चाहो तो इस गेम को खेल सकते हो, ये प्ले स्टोर पर फ्री, बिल्कुल फ्री है, और शायद 400 4 450 MB का ये गेम है,
आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना होता है हेडस 380, और वो आपको गेम मिल जाएगा। वो क्रिएटिव मंकी गेम द्वारा ये गेम बनाया गया है। तो गाइस आई थिंक कि आज के इस वाली वीडियो के में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।